Hello everyone. As you know, we have completed the first part of this chapter, and today we are going to start the second part of the chapter interview. First part में हमने interview के function के बारे में पढ़ा. Most celebrity writers despise क्यों करते हैं interview को ये देखा, और very celebrity writers की opinion क्या है interview के बारे में ये. चाहे वो रुडयार्ड किपलिंग की बात हो, एच जी वेल्स की बात हो, सॉल बिलो की बात हो, दे हैव डिफरेंट नोशन रिगार्डिंग इंटरव्यू. व्हाट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू के बारे में क्या कहा गया, इट इज द यू नो अ सोर्स ऑफ ट्रुथ इसको कहा गया. इन प्रैक्टिस इट इज एन आर्ट ऐसा बोला गया. और जब ये पूछा जाता है कि व्हाई द मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, तो हमें बताना है कि मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज इट इज अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स. यस, ऑब्वियसली इट इज द फैक्ट दैट थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटी राइटर्स यू नो इंटरव्यूड फ्रॉम द लास्ट फ्यू डिकेड्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन टू नो द वेरियस नोशंस एंड एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू इन फर्स्ट पार्ट. राइट नाउ वी आर टेकिंग द सेकेंड पार्ट. Today, let's see page number 17, part 2. I am a professor who writes novels on Sundays. The statement provides us, you know, the exact notion of our Toiko. He considers himself academic scholar first, rather than being a writer. How you can, you know, understand this statement that I am a professor who writes novels on Sundays. It means that the priority is not write down novels. That's why it is being said by him that I am a professor who writes novels on Sundays. Means he considers himself an academic scholar first and after that a novelist. See, the following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from the Hindu. Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. Semiotics from kya kahenge? Study of sign kahenge. Literary interpretations and medieval aesthetics. Aesthetics ko hum related to beauty before he turned to writing fiction. प्रस्तुत जो इंटरव्यू है, फर्स्ट आपको क्या कंसीडर समझना है कि इंटरव्यूवी कौन है, इंटरव्यूअर कौन है, इंटरव्यू लेने वाला कौन है. यहाँ पर द हिंदू का अखबार का क्या है, पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन है और ही इज टेकिंग द इंटरव्यू. सो द इंटरव्यूवी हियर इज Umberto Eco. Umberto Eco के बारे में क्या कहा गया ये देखिए. उसने फॉर्मिडेबल रेपुटेशन हासिल की. फॉर्मिडेबल को कहेंगे इंस्पायरिंग फियर रेपुटेशन एज ए स्कॉलर. और किस वजह से? सिमियोटिक्स के ऊपर, स्टडी ऑफ साइन. उसने ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. हिज राइटिंग आउटपुट इज स्टेनरली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. एक होता है फिक्शन, एक नॉन फिक्शन. जब फिक्शन राइटिंग की बात की जाती है लिटरेचर में, इट मीन्स दैट समवेयर डाउन द लाइन रिलेट्स टू इमेजिनेशन, कल्पना से. फॉल्स इमेजिनेशन, बिल्कुल झूठी परिकल्पनाएं करना, उससे रिलेटेड है. नॉन फिक्शन सत्य के ऊपर आधारित है. ताकि इससे पहले Umberto Eco को फॉर्मिडेबल रेपुटेशन प्राप्त हुई, वो किस वजह से? सिमियोटिक्स की वजह से, स्टडी ऑफ साइंस की वजह से, संकेत विज्ञान की वजह से. और उसके बाद उसने फिक्शन लिखना शुरू किया, एकेडमिक टेक्स्ट लिखे, ऐसे चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज आर्टिकल्स, ये सब.
लेकिन सबसे ज्यादा जो अस्टोनाइजिंग बात आई, जो अचंभित करने वाली थी, वो एक उसने इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम हासिल किया। एंड दिस इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम गेन्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ बुक द नेम ऑफ द रोज। जैसे ही द नेम ऑफ द रोज बुक का पब्लिकेशन हुआ, वो बुक पब्लिश हुई, उस समय से इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम इनको हासिल हुआ। The name of the rose which sold more than 10 million copies. Mukund, this is the first question. The English novelist and academic David Laws once remarked, I can't understand how one man can do all things he does. What is the first question? The question is that one man can do all the things He does means इको does। एक व्यक्ति इतनी ज्यादा काम कैसे कर लेता है एक ही समय में जैसे कि इको करता है। अबाउट इको, मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। संभवतः ये प्रभाव पड़ता होगा, इंप्रेशन पड़ता होगा कि मैं बहुत से काम करता हूं, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं आखिरकार एक ही काम करता हूं। लेकिन अवधारणा क्या बन जाती है कि संभवतः एक समय में मैं बहुत ज्यादा काम कर लेता हूं, इस प्रकार की बात है। अगर टोको में भी आई गिव द इंप्रेशन, क्या है फिर से सुनिए, ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। वो कौन विच इज, वो कौन सा काम है? नाउ दैट्स मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन करना ज्यादा डिफिकल्ट है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट। व्हाट यू नो अबाउट फिलोसफिकल इंटरेस्ट? वी कैन से दार्शनिक इच्छाएं, रुचियां, दार्शनिक रुचियां, फिलोसफिकल इंटरेस्ट, एंड आई परस्यू देम थ्रू माय एकेडमिक वर्क एंड माय नॉवेल्स। और उन दार्शनिक रुचियों को पूरा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नॉवेल्स लिखता हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। यहाँ तक कि जो मेरी पुस्तकें हैं, जो बच्चों के बारे में मैंने पुस्तकें लिखी हैं, बट इको कहता है वो भी अहिंसा के बारे में है, पीस के बारे में है। यू सी, तुम देखते हो द सेम बंच ऑफ इथिकल एंड फिलोसफिकल इंटरेस्ट। उनमें एक ही समूह में, एक ही बंच में नैतिक और दार्शनिक रुचियां शामिल की गई हैं। जो पुस्तकें कहता है मैंने बच्चों के बारे में लिखी हैं, चिल्ड्रंस के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में हैं, उनमें भी जो विषय वस्तु है वो नॉन वायलेंस की है, पीस की है, और उनको भी एक तरीके से सामूहिक रूप से इकट्ठा किया गया है नैतिकता और दार्शनिक मूल्यों को साथ रखते हुए। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट। और फिर कहता है मेरे पास एक सीक्रेट भी है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? क्या होगा यदि हम एम्प्टी स्पेसेस को एलिमिनेट कर दें, हटा दें यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, तो क्या होगा? एम्प्टी स्पेसेस इन द एटम्स, The universe will become as big as my fist. तो universe जो है वो इतना बड़ा ही रहेगा जितना कि मेरी fist है। Similarly, we have lot of empty spaces in our lives. इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में खाली होती हैं, empty space रखती हैं। I call them interstices. मैं उनको अंतराल बोलता हूँ। Interstices means अंतराल बोलना, interval बोलना। Say you are coming over to my place, you are in an elevator and while you are climbing up, I am waiting for you, this is an interstice। क्या कहता है कि मान लीजिए कि तुम elevator पर हो और तुम्हें third floor तक आना है। एक सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? एक व्यक्ति सामान्यतः क्या सोचेगा कि उस समय तक वो सिर्फ वेट करेगा। लेकिन अगर तो इको कहता है कि वो इस प्रकार के काम नहीं करता। वो क्या करता है कि जब कोई व्यक्ति उसे मिलने के लिए आता है, एलिवेटर के ऊपर होता है, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आने के बीच का जो टाइम है वो समय उसको वो यूटिलाइज करता है और उसको प्रयोग करते हुए वो एक उस समय तक एक आर्टिकल लिख लेता है। आई वॉक इन एम्प्टी स्पेसेस व्हाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। उसके पश्चात हंसता है। इस प्रकार से वो इंटरसिस में काम करता है, अंतराल में काम करता है, उस समय काम करता है जो एम्प्टी स्पेसेस जिसको कहा जा सकता है, खाली स्थान जिसको कहा जा सकता है, उसमें वो काम करता है।
मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति ऐसा कर नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज ए सर्टन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। आपका जो एकेडमिक वर्क्स है उसके अंदर एक निश्चित चपलता है, पर्सनल क्वालिटी है। इट इज ए मार्क डिपार्चर फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, मार्क डिपार्चर फ्रॉम द एकेडमिक स्टाइल। इट मीन्स दैट, लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल हियर फ्रॉम मुकुंद। मुकुंद वांट्स टू नो दैट इन ट्रेडिशनल वे व्हेन एवर द टर्म कम्स टू द एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल राइटिंग इज कंसर्न, व्हाट द पीपल थॉट अबाउट यू नो अ वेरी डीप फुल ऑफ थॉट एंड फिलोसफिकल इंटरेस्ट, हैविंग सच सो मेनी फिलोसफिकल इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग। But in these days, you know about the question is that which is invariably depersonalized and often dry and boring. What happened? Actually, in the traditional way, if anyone talks about the intellectual or scholarly writing, what he thinks about all? About boring and dull writing. Okay? But you have certain playfulness in your writing. As far as whenever you try to write down, your writing is certainly be full of playfulness. And there is a systematic approach in your writing, even though when you write all about intellectuality. But what happened in, you know, traditional way, while writing is being concerned as intellectual, it is became very often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something just came naturally to you? क्या ये आपने इसके लिए जानबूझ करके इस प्रकार का प्रयास किया है जिसके अंदर आपने जो है इनफॉर्मल अप्रोच आप लेकर के आए हो, या ये अपने आप ही स्वतः नेचुरली अपने आप में ये आ गई है? देखो, क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। यहाँ जो क्वेश्चन है मुकुंद पद्मनाभन का, वो क्वेश्चन ये है कि जितने भी स्कॉलरली वर्क्स हैं, इंटेलेक्चुअल राइटिंग्स रही है, उनके अंदर एक डिफरेंट ही लीक पर चलने वाली बातें रही हैं, जो कि फुल ऑफ फिलोसफिकल एंड सोफिस्टिकेटेड उसका मटेरियल रहा है। लेकिन कहता कि तुम्हारी राइटिंग में एक चपलता है, एक क्रिएटिविटी है, वो इंटेलेक्चुअल होते हुए भी बोरिंग नहीं है, डल नहीं है, जिस प्रकार से परंपरागत रूप से चलने वाली जो राइटिंग्स हैं इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में, स्कॉलरली वर्क्स के बारे में, वो डल और बोरिंग है। क्वेश्चन ये है कि क्या इस प्रकार की राइटिंग जो आप अप्रोच लेकर के आए हो, ये अप्रोच व्यवहारिक तौर पर अपने आप नेचुरली आप में आ गई है, या कॉन्शियसली आपने इसको लेकर के आप आए हो, सचेत होते हुए जानबूझ करके आपने ऐसा लिखा है? अब देखिए, ये क्वेश्चन था उसका। अगर टुई को कहता है, व्हेन आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ डॉक्टरल डिसर्टेशन को आप कहेंगे शोध पत्र, जब भी डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है तो उस समय जो आपको एक लिखने के लिए दस्तावेज मिलता है कि आप इस कोई एक विषय के ऊपर एक बुक लिखिए, शोध पत्र जिसको हम बोलते हैं, वो लिखने को दिया गया इन इटली। वन ऑफ माय प्रोफेसर सेड, तो मेरे एक प्रोफेसर ने कहा कि स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट, जितने भी स्कॉलर्स होते हैं वो किसी निश्चित सब्जेक्ट को लेकर के उससे सीखते हैं, देन दे मेक लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, इसके पश्चात वो उसके बारे में झूठी कुछ परिकल्पनाएं करते हैं, देन दे करेक्ट देम, फिर उनको वो ठीक करते हैं, एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजंस, इसके पश्चात वो क्या करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। शोध पत्र में अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कोई शोध पत्र लिखा जाता है जो डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करता है, कोई ना कोई एक विषय होता है, उस विषय के ऊपर फॉल्स हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, उनको करेक्ट किया जाता है, और फिर जो स्कॉलर है वो स्कॉलर उसमें कंक्लूजन देता है अपना। लेकिन अगर टू इको ने ऐसा नहीं किया, आगे पढ़िए इसको, देखिए, यू ऑन द कंट्रारी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, लेकिन तुमने अपने शोध पत्र में अपनी रिसर्च की कहानी बताई है, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, यहां तक कि अपनी जो कोशिशें हैं और नाकामियां हैं उनका भी वर्णन किया है। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज, इस दौरान वो समझ गया कि आई वॉज राइट, कि मैं सही था, एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज ए बुक विच मीन्स टू अप्रिशिएटेड इट, उस डिसर्टेशन को, उस शोध पत्र को उसके पश्चात उसने पब्लिश कराना चाहा, इसका मतलब उसने उस शोध पत्र को क्या किया था, अप्रिशिएट किया था। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22,
आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन. उस अवस्था में एट द हैविंग एज ऑफ 22 इयर्स मैं समझ गया था कि स्कॉलरली जो बुक्स हैं उनको भी उस हिसाब से लिखा जा सकता है जैसे मैंने लिखा था बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, रिसर्च की कहानी सुनाकर बताकर. दिस इज व्हाई माय एसेज ऑलवेज हैव ए नैरेटिव एस्पेक्ट. इसीलिए मेरे जो एसेज हैं, प्रस्ताव जो हैं, वो नैरेटिव एस्पेक्ट लिए हुए होते हैं, वर्णात्मक भाव लिए हुए होते हैं. एंड दिस इज व्हाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स सो लेट. इसीलिए संभवतः मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया अपने जीवन में इतना लेट, लगभग 50 साल की उम्र में, लगभग 50 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली की अवस्था में. आई रिमेम्बर दैट माई डियर फ्रेंड रोनाल्ड ब्रेथ्स वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड. मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड था रोलैंड ब्रेथ्स, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था दैट ही वॉज एन असिस्ट, कि वो एक असिस्ट था एंड नॉट ए नॉवलिस्ट, और वो नॉवलिस्ट नहीं बन पाया था. ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर. वो क्रिएटिव राइटिंग करना लिखना चाहता था किसी न किसी दिन, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो. लेकिन यदि वो संभवतः ऐसा कर पाता उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई. आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. मैंने इस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन को कभी महसूस नहीं किया. आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवल्स बाई एक्सीडेंट. मैंने नॉवल्स को अकस्मात ही शुरू कर दिया लिखना. आई हैड नथिंग टू डू वन डे. एक दिन मेरे पास कुछ नहीं था काम करने को एंड सो आई स्टार्टेड, इसलिए मैं शुरू हो गया. नॉवल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन. और नॉवल जो है, मेरा जो नरेटिव वे में लिखने की जो हैबिट है, वर्णनात्मक ढंग से लिखने की हैबिट है, उस इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं, इसलिए मैं उनको लिखता हूँ. तो हम यदि ये कहें कि अल्बर्टो इको ने नॉवल लिखना कैसे शुरू कर दिया, तो वो बाई एक्सीडेंट था. एक दिन उसके पास काम करने को कोई भी नहीं काम नहीं था, इसलिए उसने क्या करना शुरू कर दिया, नॉवल लिखना शुरू किया. और उसके पश्चात उसको उसमें फैमिलियरिटी हासिल होती चली गई. यहां पर एक तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए इसको, कि मुकुंद क्या क्वेश्चन पूछता है उससे, कि उसने नॉन फिक्शनल राइटिंग लिखी, स्कॉलरली वर्क लिखे, बहुत ज्यादा स्कॉलरली वर्क्स लिखे, लेकिन जब हम ट्रेडिशनल वे की बात करते हैं, स्कॉलरली बुक्स की बात करते हैं, तो उनका जो मेटेरियल होता है वो ज्यादा टायरिंग होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. लेकिन आपने उसको एक अलग धरने पर लेकर के आए हो, तो उसके पीछे का वो कारण क्या बताता है, कि उसके कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं जिनको वो पूरा करता है. और इन फिलोसफिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो एक छोटी सी कहानी भी बताता है, किस प्रकार से जब उसने शोध पत्र दिया इटली में, वन ऑफ द प्रोफेसर ने उसको बताया था कि किस प्रकार से अमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो एक सर्टन सब्जेक्ट को लेते हैं, उस सर्टन सब्जेक्ट के ऊपर फिर फॉल्स हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको करेक्ट करते हैं, फिर उसका कंक्लूजन देते हैं. लेकिन इसके विपरीत अल्बर्टो इको ने क्या बताता है, क्या किया उसने, उसने अपने ही रिसर्च की कहानी बताई, उसके ट्रायल्स और एरर्स को भी उसमें शामिल किया. और वो देख करके बड़ा खुश हुआ कि उसके उस शोध पत्र को बाद में एक बुक के तौर पर प्रकाशित भी किया गया. इसका मतलब ये था कि उन लोगों ने उसके शोध पत्र को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था. इसके बाद क्या है इसमें देखिए, मुकुंद कहता है, टॉकिंग अबाउट नॉवल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टाकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज. कहता है कि टॉकिंग अबाउट नॉवल्स की बात करें, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टाकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन द नेम ऑफ द रोज. आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए. कहता है किसके बाद, किसके पब्लिकेशन के बाद, द नेम ऑफ द रोज के बाद. यू हैव रिटन 5 नॉवल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स और नॉन फिक्शन. आपने 5 नॉवल भी लिखे और बहुत सी स्कॉलरली बुक्स भी लिखी, नॉन फिक्शन भी लिखे, एट लीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम. अब उसको बीच में ही रोक देता है अल्बर्टो इको, कहते हैं ओवर 40, उनमें से 20 नहीं बल्कि उनमें से 40, ओवर 40 अमंग देम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सिमियोटिक्स. सेमिनल का मतलब यहाँ मूल रूप से आधार, बहुत फंडामेंटल वे में वो सिमियोटिक्स के बारे में थी. बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अल्बर्टो इको, लेकिन आप अधिकतर लोगों से अल्बर्टो इको के बारे में पूछिए, दे विल से, वो कहेंगे ओ ही इज द नॉवलिस्ट. डस दैट बदर यू, क्या तुम्हें ये बात परेशान नहीं करती. कहता कि आपने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी, सिमियोटिक्स के बारे में लिखी,
लेकिन फिर भी जो लोग आपको याद करते हैं वो एक नॉवलिस्ट के तौर पर याद करते हैं, क्या ये बात आपको बदर नहीं करती? About two questions. Because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. कहता है हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक ऐसा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर समझता हूँ जो रविवार के दिन नावल लिखता है. It is not a job. ये जॉब नहीं है. I participate in academic conferences and not meeting open clubs and writers. कहता है कि मैं academic scholars जो conferences होती हैं उनको join करता हूँ, शैक्षणिक गतिविधियों में सम्मिलित रहता हूँ, और राइटर्स के जो क्लब्स होते हैं, पेन क्लब्स होते हैं, उनमें मैं सम्मिलित नहीं होता. आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी. मैं अपने आप को शैक्षणिक समाज के बीच में जोड़ करके रखना चाहता हूँ, शैक्षणिक कम्युनिटी के बीच में, विद एन एकेडमिक कम्युनिटी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ. बट ओके, इफ दे का मतलब मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवल्स, केवल नॉवल्स पढ़ते हैं. लाफ्स एंड सेंस, हंसता है थोड़ा सा, सिर्फ उठता है अपनी जगह पे. आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस. लेकिन ऐसा है कि लोग मुझे सिर्फ अपने उपन्यासों की वजह से जानते हैं, तो मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता हूँ, ये अच्छी बात है. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ ऑफ सिमियोटिक्स. सिमियोटिक्स के स्टफ के साथ, इस विषय वस्तु के साथ मैं ज़्यादा बड़ी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ. इसलिए कहता है कि यदि नॉवल्स के जरिए लोग मुझे जानते हैं तो वो भी अच्छी बात है. Which brings to my next question. मुकुंद कहता है, ये मुझे दूसरे अगले क्वेश्चन तक ले आई ये बात. The name of the rose is a very serious novel. Name of the rose बहुत ही सीरियस नावल है. इट इज डिटेक्टिव यार्न एट द वन लेवल. एक तरफ ये जासूसी की कहानी है, डिटेक्टिव यार्न है, बट इट ऑल्सो डिवेल्स विद मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री. तो दूसरी तरफ ये किससे कनेक्ट करता है? मेटाफिजिक्स से, थियोलॉजी से और मेडिवल हिस्ट्री से. मेटाफिजिक्स अध्यात्मवाद, आई वुड लाइक टू से रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, और थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ है. और तीसरा इसमें मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री को आप क्या कहोगे, मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है. Yet it enjoyed a huge mass audience. लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा audience तक पहुँच पाया. Were you puzzled all by this? Were you puzzled at all by this? क्या तुम इससे जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने puzzled महसूस किया? क्या आपको इसे हैरानी हुई, विस्मय हुआ? अबर टोईको, No journalists are puzzled. Journalists puzzled हुए इस बात से, उनको हैरानी हुई. And sometimes publishers. और कई बार पब्लिशर्स को इस बात से हैरानी. एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक स्ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस. क्योंकि ये पब्लिशर्स समझते थे कि लोग तुच्छ हल्के एक्सपीरियंस को पढ़ना पसंद करते हैं, छोटी बातें पढ़ना पसंद करते हैं, स्ट्रेस रीडिंग चाहते हैं. कंसिडर देर आर 6 billion पीपल ऑन द प्लेनेट. मान लो कि धरती के ऊपर 6 billion लोग हैं. The name of the rose sold between 10 to 15 million copies. लेकिन the name of the rose की 10 से 15 million copy ही बिकी. So in a way, I reached only a small percentage of readers. यदि हम ये बात माने तो मैं बहुत कम percentage of readers तक पहुँच पाया हूँ. बहुत ही कम लोगों की संख्या तक मेरी ये बुक पहुँच पाई है. But it is exactly these kinds of readers who don't want easy experiences. लेकिन ये वो पाठक हैं जो कभी भी इजी एक्सपीरियंस को पढ़ना पसंद नहीं कर रहे, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और कम से कम हमेशा ऐसा पढ़ना भी नहीं चाहते. आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वांट टू सी इधर मियामी वॉइस एंड इमरजेंसी रूम. कहता है मुझे भी डिनर के पश्चात मैं टेलीविजन देखता हूँ और मियामी वॉइस देखता हूँ या इमरजेंसी रूम देखता हूँ. आई एंजॉयड इट, मैं इसका आनंद लेता हूँ. एंड आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता भी है. बट नॉट ऑल डे, लेकिन हमेशा नहीं है. तो कंसिडरिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस रीडिंग भी पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो एक तरीके से डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफिकल इंटरेस्ट वाली बुक भी पढ़ना चाहते हैं. जहां तक इस बुक का बात है, आप देखोगे द नेम ऑफ रॉस इससे कनेक्ट करती है.
मेटाफिजिक्स है और थियोलॉजी से और हिस्ट्री से, मेटाफिजिक्स से, थियोलॉजी से और हिस्ट्री से। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? मेटाफिजिक्स एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अध्यात्मवाद, धर्मवाद और मध्यकालीन इतिहास से। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक थी वो फिलोसफिकल बुक थी, लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा सफल हुई। इसके पीछे का कारण क्या बताता है बेटो? इसको कहता कि हर व्यक्ति की अपनी कुछ रीडिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं। वो कई बार कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ना चाहता है, फिलोसफिकल चीज़ें भी पढ़ना चाहता है, तो कई बार हल्की फुल्की पुस्तकें भी पढ़ना पसंद करता है। जिस प्रकार से वो खुद अपना एग्जाम्पल देता है कि डिनर करने के पश्चात वो टेलीविजन देखता है, उसमें बेबी वॉइस देखता है, इमरजेंसी रूम देखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोजाना उसको उसकी आवश्यकता है। मोकन, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with the period of medieval history? क्या जो ये नॉवल इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, द नेम ऑफ द रॉस, कहता है कि उसके पीछे ये तथ्य तो नहीं कि यह मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड है? और इसके बाद वो कुछ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बीच में एबर्ट को रोकता है, उसको कहता है दैट्स पॉसिबल, संभव हो सकता है ये, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी कहानी बताता हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वॉइस मैन, क्योंकि मैं एक चाइनीज वॉइस मैन की तरह से कहानियां सुनाना पसंद करता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर से, मेरी अमेरिकन पब्लिशर ने कहा, व्हाइल शी लव्ड माय बुक, जब उसने मेरी पुस्तक को पसंद किया, शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन द कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन ए कैथेड्रल और स्टडीज लेटिन। उसको नहीं लग रहा था कि एक ऐसे देश में जहां पर कोई मेन चर्च नहीं है और लेटिन की स्टडी नहीं होती है, कि वहां से 3000 से ज्यादा कॉपियां बिकेंगी। सो आई वॉज गिवन इन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, इसलिए मुझे कहता है कि 3000 कॉपीज का ही पे किया गया, बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 million इन US, लेकिन बाद में अमेरिका में 2 to 3 million जो कॉपी थी द नेम ऑफ द रोज की वो बिकी। A lot of books have been written about the medieval past far before mine, कहता है कि मेरी उस पुस्तक से पहले भी medieval history के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। I think the success of the book is a mystery, फिर भी वो कहता है कि इस पुस्तक की जो सफलता है वो वास्तव में एक रहस्य है। Nobody can predict it, कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, कहता है कि यदि मैं इस बुक को 10 साल पहले लिखता या 10 साल बाद में लिखता, it wouldn't have been the same, तो ये इस प्रकार से प्रसिद्ध शायद संभवतः नहीं होती। Why it worked at that time is a mystery, आखिरकार ये इसी समय इतनी ज्यादा प्रसिद्ध क्यों हुई, ये एक रहस्य की बात है। नेम ऑफ द रोज जो बुक थी वो कंसिस्ट उसमें क्या था मुख्य? मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिकल हिस्ट्री। लेकिन इसके पश्चात भी ये प्रसिद्ध क्यों हुई, जब ये क्वेश्चन पूछा गया अल्बर्ट इको से, तो वो उसका आंसर क्या देता है कि व्यक्ति जो है फिलोसफिकल इंटरेस्ट को भी पढ़ना कई बार पसंद करते हैं, लेकिन बेसिक बात ये है कि उनको रोजाना इस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। फिर कहा गया कि आखिरकार उस समय ये जो बुक प्रकाशित हुई उसके पीछे कोई ऐतिहासिक वजह है कि ये मध्यकालीन इतिहास के बारे में है? मध्यकालीन इतिहास इसका एक छोटा सा कंटेंट बनकर क्या आता है? कहता है कि ऐसा संभवतः नहीं है, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी पहले बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। ये पुस्तक जो सफल हुई इसके पीछे एक कोई रहस्य ही हो सकता है। लेकिन एक हिंट जरूर देता है बेटो इको, वो कहता है कि यदि ये 10 वर्ष पहले प्रकाशित हुई होती या 10 साल बाद प्रकाशित हुई होती तो रिजल्ट हो सकता है कि डिफर करता। इसी समय ये इतने ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाई, उन लोगों ने इसको पसंद किया, ये एक रहस्य ही है। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर इंटरव्यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।